नॉस्टैल्जिक फील के लिए यहाँ पे पुल अप टाइप डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रेडिशनल है और ये पियानो ब्लैक है, ये चाबी है, लॉक लॉक बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी के लेदर गार्डेड की है जिसमें आपको रिमोट मिल जाता है। कलर का नाम है पोलर वाइट और ये डुअल टोन है जिसमें आप देख सकते हो जो रूफ है वो ऑरेंज मिलती है। इसका प्लैटिनम सिल्वर भी आता है ऊपर रूफ। ये विदाउट वाइप पैक है, वाइप पैक की जो डिटेल है आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, इंजन विद ईवीज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये है आपके सामने सिट्रॉन की C3 और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास गेस्ट हैं, इनका नाम है राजीव जी। राजीव जी प्लीज कम ऑन द फ्रेम एंड आप ये बताओ मेरे को, सबसे पहले ये सिट्रॉन की C3 है, इट्स एन फुल फ्लेजेड SUV वी कैन से बिकॉज इट्स एन सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट, ओके, लाइक इट्स एन माइक्रो SUV एंड इंडिया में इसे कहा जा रहा है टाटा पंच का कॉम्पिटिटर। ओह मैग्नाइट काइगर, ओके, इग्निस, अब कहने को तो एस्प्रेसो है। इंडियन मार्केट आर ग्रोइंग विद एसयूवी सेगमेंट, स्पोर्ट्स स्पेस, मेन कंफर्टेबल, मेन फीचर्स, सेफ्टी, सेफ्टी व्यूज भी ज्यादा करते हैं क्योंकि नॉर्मली कैसा है बाकी गाड़ियों में वाइल सीटिंग लोअर हो जाते हैं बट आजकल के क्लाइंट्स को मेन एसयूवी का सेगमेंट का ज्यादा ही यूज और नीड्स जानना चाहते हैं। अच्छा, अभी इन टर्म्स ऑफ C3 देखते हैं तो C3 इज लाइक इंडियन रोड्स के लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक लगे बिकॉज ऑफ द हायर ग्राउंड क्लियरेंस, 181 का ग्राउंड क्लियरेंस है, 181 यस, और सेकेंडली सर इसका जो क्यूबिक कैपेसिटी जो है इंजन, इट कम्स इन 1.2 लीटर्स, 1.2 लीटर्स विद 82 PS, ओके, एंड 110 का टॉर्क भी है, 110 का टॉर्क, 110 न्यूटन मीटर और 82 PS की पावर, 82 और इंजन कौन सा, पेट्रोल, इट्स अ पेट्रोल, पेट्रोल ओनली, पेट्रोल ग्लोबल में ऑलरेडी यूज किया जाता है, ओके। क्या नाम है इंजन का, प्योरटेक, प्योरटेक, प्योरटेक इज लाइक एमिशन नॉर्म्स देखा जाए तो इट्स वेरी 26 एमिशन बहुत कम कर देता है एमिशन, BS6 है, ओके सर। सो ये वेरिएंट कौन सा है हमारा, ये फ्यूल वाला वेरिएंट है, ओके, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन है, इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक प्योर एस्पिरेटेड इंजन एंड विद टर्बो, टर्बो का हॉर्स पावर 101 का हॉर्स पावर दिया है, 190 टॉर्क दिया है। अच्छा, ये कौन सा है, ये नेचुरली एस्पिरेटेड। तो सर सामने से शुरू करते हैं, अपन ने देखा कि ये ग्रिल का क्रोम जो है लोगों के साथ एम्बेडेड है तो ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। एक्चुअली कैसे सर सिट्रोन के इट्स वेरी डिफरेंट, अगर आप दूसरे मैन्युफैक्चरर में देखते हैं द लोगोस आर ओनली इन दिस शेप ऑन द फोर साइड बट हियर सिट्रोन के हर गाड़ियों में दे हैव गिवन ऑन द क्रोम बेस व्हिच गिव्स मोर एनहांस लुक और लोगो पूरा साइड में दिखाई देता है, ओके, और स्प्लिट LED हेडलाइट्स है व्हिच गिव्स प्रीमियम लुक्स एक्चुअली, ओके। सो ये DRL है, DRL है इधर से और स्प्लिट लुक्स, अच्छा DRL, ये इंडिकेटर देखा जाए तो यहाँ पे आगे एक आता है, अच्छा, नॉर्मली मिरर्स में बोलते हैं मगर यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है इंडिकेटर। ओके, हाँ ये इंडिकेटर, हाँ तो ये ऊपर वाला LED है, नीचे वाला हेलोजन है, नीचे वाला हेलोजन है, आ जाइए आप, आ जाइए वापस आ जाइए, ये कुछ इस तरीके का लुक है, हाँ ओके, मतलब फॉग लैंप एक्सेसरी के तौर पे आएंगे, नहीं नहीं, वाइप पैक एक ऐसा फैक्ट्री एक्सेसरीज है जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये वाइप पैक में ऐसा है कि यू विल गेट फॉग लैंप्स, ओके, एज वेल एज ग्लाइडर, अच्छा ये ग्लाइडर्स हैं, ये ग्लाइडर्स हैं, ओके, दिस कार डजंट हैव द ग्लाइडर। तो सर ये बताइए फॉग लैंप्स आपने बोला कि पैक में आएंगे, ठीक है, और फैक्ट्री फिटेड वाइप पैक है तो उसके लिए मोनोटोन सिंगल टोन वैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक्स फैक्टर लुक के साथ स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है सिल्वर फिनिश में जो इसको एक ऑफ रोडर और ऑथेंटिक SUV वाला स्टांस दे देती है, अच्छी लग रही है नो डाउट, यही टॉप मॉडल है जो विदाउट वाइप पैक है, ये स्टैंडर्ड टॉप मॉडल है, वाइप पैक इसके अलावा फैक्ट्री फिटेड आता है। बात कर लेते हैं व्हील्स की, 15 इंच के हैं, रिम, रिम है,
पार्ट ऑफ एक्सेसरी मतलब C3 में स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं आते हैं, अलॉय व्हील्स आती हैं। ठीक, कस्टमर्स को चॉइसेबल मिल जाता है कि ही कैन फिक्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। ओके, वो ब्रांड बड़ा है तो अपने को कुछ ना कुछ तो ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ आप अलग से ले सकते हो। ले सकते हैं ना सर, क्योंकि हर कस्टमर को उनके चॉइसेस अलग रहते हैं। राइट, या बाइंग दी कार, अगर हम अलॉय व्हील भी दे दें बाहर जाके पार्ट ऑफ एक्सेसरीज में लगा देते हैं। ओके ओके, आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है, ड्रम एंड डिस्क है। अच्छा, ड्रम और डिस्क है, पीछे ड्रम है, पीछे ड्रम, आगे डिस्क। फेंडर में टर्न इंडिकेटर है, फेंडर में दिया टर्न इंडिकेटर, इंटीग्रेटेड नहीं है। इंटीग्रेटेड वो आरवीएम में क्या क्या मिल जाता है? मैनुअल है, पियानो ब्लैक फिनिश में ही रूफ रेल्स देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं, और टॉप मॉडल है उसके बावजूद यहाँ पे आपको विंडस्क्रीन में जो रियर वाली है वॉशर वाइपर डिफॉगर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये सिट्रन की पैचिंग, भले ये टॉप मॉडल है फील, पर ये टॉप मॉडल आपको नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हैंडल, पुल अप टाइप, पुल अप टाइप, लाइक ट्रेडिशनल बेसिक वेरिएंट देखा, ये पुल आउट टाइप नहीं है। नहीं, अच्छा अच्छा, तो वाइट कलर मतलब बॉडी कलर है, कोई भी रिक्वेस्ट आंसर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये इसकी की है, गाड़ी को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब कैरेक्टर लाइंस वगैरह की प्लेसमेंट है एरोडायनामिक्स के पर्पज से, हर जगह अगर देखें सामने और पीछे। ये वाला शेप सिग्नेचर है, ये डिस्टिंक्ट लुक देता है, लुक देता है। C5 भी देखेंगे, सेम है। और ये वाइपर्स नॉर्मल वाले हैं, ऑटो हेडलैम्प रेन सेंसिंग वाइपर का सेंसर भी विंडस्क्रीन में नहीं दिया है। आगे नॉर्मल एंटीना मिलता है, शार्क फिन नहीं दिया है। पैनो ब्लैक है, मगर ओनली थिंग इसमें ड्यूल टोन में ऑप्शन दो आते हैं, एक ऑरेंज कलर आता है और एक प्लैटिनम ग्रे वाला कलर आता है। ORVM कवर मिल जाते हैं ऑरेंज या प्लैटिनम ग्रे फिनिश में, दो ऑप्शन आते हैं। जैसे आप बाहर देखेंगे तो भी वाइट कलर ही है, उसमें ग्रे कलर का है। अच्छा, और यहाँ पे ऑरेंज कलर, ऑरेंज का भी ऑप्शन है। ठीक, चलिए इसमें लिखा भी हाई ड्राइविंग पोजीशन। ड्राइविंग सीट मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, जहाँ से आप हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन और स्लाइड कर सकते हो। अच्छा, अंडर थाई सपोर्ट इज रियली गुड, नो डाउट, कहना पड़ेगा। सीटिंग पोजीशन कैसा लगता है आपको? सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छा है, मतलब फ्रंट विजिबिलिटी, हाँ विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, लाइक बोनेट पूरा विजिबल है, बोनेट पूरा जैसा कहा जा रहा है हाइट एडजस्टमेंट, और मिनिमम में भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। बाकी रिक्लाइन कर सकते हो और स्लाइड कर सकते हो, लंबा सपोर्ट नहीं, और स्टीयरिंग टिल्ट यस, नहीं नहीं। कंफर्ट लेवल वाकई मुझे काफी पसंद आया, स्पेशली इसकी हाई ड्राइविंग सिटिंग पोजीशन। पीछे अभी आपके हिसाब से आपने सीट एडजस्ट की है, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की, तो आपको स्पेस कैसा लग रहा है? नहीं, स्पेस ठीक है, इतना अच्छा नहीं है, मतलब जैसे एक कॉम्पैक्ट SUV होती है बड़ी होती, बट हाँ ऑब्वियसली सर जो हैचबैक लेने वाला होगा उसके लिए इट्स ओके, मोर देन सफिशिएंट। हालांकि थोड़ा सा और मोटा होगा तो उसको दिक्कत हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता मेरे से ज़्यादा होंगे, होते ठीक है। बाकी अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, लेग रूम न्यू रूम ठीक है, हेड रूम अच्छा लगा, हेड रूम 315 में 315 लीटर्स। यस, स्पेयर व्हील ये ऑप्शनल है, स्पेयर व्हील इधर नीचे आता है, रिमी है, खैर सारे ही टायर रिमी, ऑब्वियसली, और टायर साइज ये देखिए
165/80 R14 दिया है। 14 इंच है और बाकी कितने इंच के? 15 इंच। बाकी 15 इंच है, ठीक है। टेल लाइट्स की बात करें तो इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक लुक्स के साथ आती हैं। पर जहां आज की हर गाड़ियों में LED टेल लाइट मिलती है, यहां पे आपको बल्ब वाली टेल लैंप ही देखने के लिए मिलती है। क्या इग्निशन है ये? अपना लाइट चालू किया मैंने पास। अच्छा अच्छा, तो ये तो बल्ब ही वाले हैं ना? बाकी इसमें भी C3 लिखा रहेगा, सिट्रॉन की बैजिंग मिलेगी, बट यहाँ पे प्योरटेक लिखा आएगा, प्योरटेक लिख के आएगा। और रेगुलर नेचुरली एस्पिरेटेड में ओके। और इसमें कितने सेंसर्स है पार्किंग के? फ्रंट में तो नहीं है, अल्ट्रासोनिक। और ये भी अपना LED वाला दिया है। ऑरेंज फिनिश में ही आपको स्पॉइलर देखने के लिए मिलती है। अगर आप सिंगल टोन वेरिएंट की तरफ जाओगे तो जो रूफ है आपको बॉडी कलर मिलेगी, स्पॉइलर भी बॉडी कलर मिलेगा। डैशबोर्ड डुअल टोन फिनिश में आता है, ब्लैक और जो डुअल टोन का आपने ऑप्शन चुना है उस कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, लाइक यहाँ पे ऑरेंज है। काफ़ी एक रफ और टफ फील वाली गाड़ी का डिज़ाइन का पूरा डैशबोर्ड आपको मिल जाता है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता, नहीं आता। लगाते हैं चाबी को और ऑन करते हैं इग्निशन। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड की होल देखने के लिए नहीं मिलता, जो रात में आपके लिए परेशानी बन सकता है। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये सिट्रॉन की बैजिंग के साथ है। इन्फोटेन बोले तो इन्फोटेनमेंट में आता है, इंफॉर्मेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो इसमें कितने इंचेस का है? ये 10 इंचेस का। यहाँ पे फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने के लिए मिल जाता है विथ डिजिटल स्पीडोमीटर ऑन मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं? एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। आप फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग पे मल्टी फंक्शन दिया है, फोन ऑन एंड ऑफ, उसके बाद में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऑडियो फोन, ब्लूटूथ। पर क्रूज कंट्रोल नहीं दिया है, क्रूज कंट्रोल नहीं है, सिर्फ वाइपर जो है वेरिएबल इंटरमिनेंट मिल जाते हैं। और हेडलैम्प्स यहाँ पे वो नहीं मिलते, ऑटोमेटिक नहीं मिलते। एसी के जो वेंट्स है ना वो काफी प्रीमियम लुक्स के साथ आता है और एक थोड़ा सा यूनिक डिजाइन भी है, पियानो ब्लैक के साथ में और क्रोम भी दिया है यहाँ पे। अभी कैसा है ऊपर वाला ऑरेंज रूफ है तो ये ऑरेंज कलर में आएगा। ओके, हाँ, जो सिल्वर होगा उसमें सिल्वर आएगा। अगर वो प्लैटिनम ग्रे रहेगा, क्योंकि दो ही ऑप्शंस हैं, प्लैटिनम ग्रे रहेगा तो प्लैटिनम ग्रे का ऑप्शन है। ओके, अच्छा। और एयरबैग टोटल कितने हैं? दो एयरबैग जाते हैं, ABS भी, TPD और ये। हाँ सर, और उसके बाद में मैनुअल एसी का। मैनुअल एसी है या मगर एसी मास्टर ब्लोइंग एक्चुअली, एसी का बहुत पावरफुल है। एसी अच्छा होना चाहिए गाड़ी का, भले मैनुअल मिले। एसी अच्छा, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है। एक मिनट, यहाँ से पोजीशन, यहाँ से फैन की स्पीड, यहाँ से टेम्परेचर, राइट। और ये हजार्ड लैंप, राइट। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट पैनल है। टैकोमीटर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, बाकी गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस 20 वगैरह सब मिल जाता है। और यहाँ क्या क्या स्पेसेस है? मल्टीपल स्पेसेस दिया है, जैसे कि आप रखने की जगह के लिए स्पेस अच्छा दिया है, कुछ भी आप गॉगल्स रख सकते हैं, पर्स रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस है। USB भी दिया है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है। गियर शिफ्टर का अगर लुक देखें हम तो काफी एक अलग टाइप का लग रहा है और मुझे काफी अच्छा लगा 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे दिया गया है। मतलब ये भी प्रीमियम क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का ही दिया है सर, व्हिच इज वेरी इजी टू हैंडल एंड वेरी इजी टू यूज। और रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें नहीं आता, बट दे आर वर्किंग ऑन दैट एक्चुअली। रिवर्स कैमरा म्यूजिक सिस्टम में देना है, अलग से देना है, दे आर वर्किंग ऑन दैट। ये स्लाइड नहीं होता? इट डजंट हैव स्लाइड, ओनली। ओके, जैसे है लाइक एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा वो उसके एप्लीकेशन से होगा। बाकी मैनुअल है ये ORVM। ग्लो बॉक्स भी जितना यूज कर सकते उतना ही दिया है, ज्यादा बड़ा नहीं। इट्स लेंथियर बट फ्रॉम द इनसाइड अंदर से डीप है। आप ये बताइए कि दो पावर विंडो के कंट्रोल इधर दिए हैं और वन टच ऑपरेशन के साथ है, लेकिन सिर्फ डाउन है अपर नहीं है।
वन टच है, ये भी है, दोनों विंडोज है फ्रंट के, मगर ऊपर ऊपर वाला नहीं है, ऑटो डाउन है। हाँ ऑटो डाउन है, पीछे वाले का यहाँ दिया है। बाकी डोर हैंडल प्रीमियम क्वालिटी के सिल्वर फिनिश में है। और यहाँ पे क्या क्या है? नहीं ये अपना वो है चाइल्ड लॉक फॉर विंडो, ये है चाइल्ड लॉक फॉर विंडो। एंड ये क्या है? बीम लेवल एडजस्टमेंट है। हाँ वो बीम ट्रैवल है, ये अपना हेडलाइट का है। हाँ बीम लेवल एडजस्टर है। ओके बाकी खाली है यहाँ पे चीजें, यहाँ पे चाहते तो ये दे सकते थे, दे सकते थे, मगर अभी आप दूसरे ऑप्शन में देखेंगे वाई पैक में प्रॉब्लम का उधर बटन दिया है। अच्छा हाँ ओके, ये सिल्वर फिनिश में है और ये पार्किंग ब्रेक लीवर, हाँ ये इसके साथ आते हैं कपड़े के साथ, और ये सिल्वर फिनिश में नून अच्छी क्वालिटी है। चलिए पीछे आइए, पीछे ऐसी वेंट्स नहीं है, नहीं है जरूरत नहीं सर, क्योंकि ये सफिशिएंट है। और जो विंडो के कंट्रोल है यहाँ पे, अरे वाओ, ये मतलब ये फीचर एक्सक्लूसिव है कि सेगमेंट में मेरे ख्याल से नहीं आता कि ऑटो अप ऑटो डाउन चारों विंडो के लिए, पंच में नहीं आता, पर ऑटो अप नहीं है। यहाँ पे स्पेस है, कुछ भी रख देंगे अपन, ड्यूल यूएसबी चार्जर, ड्यूल यूएसबी, और सीट बैक पॉकेट्स होती है। और ये थोड़ी सी रूम ये उठी है, हम है ना बीच में बैठ भी नहीं पाएगा कोई, क्योंकि उसको डिपेंड्स ऑन साइज आल्सो, हाँ बच्चे होंगे तो वो बैठ जाएंगे कंफर्टेबल। 5 सीटर के लिए अच्छा है, हाँ 5 सीटर के लिए, 4 सीटर के लिए, 4 सीटर के लिए आगे से। यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाती है, और सिट्रन का जो लोगो हॉर्न ब्लॉक पे दिया है वो काफी जच रहा है। IRVM में डे नाइट फीचर नहीं देखने के लिए मिलता है, ड्राइवर साइड सनवाइजर में वैनिटी नहीं मिलती, सिर्फ को ड्राइवर साइड में देखने के लिए मिलती है, सिर्फ आगे ही आपको कैबिन लैंप मिलता है हेलोजन वाला। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा दिया है कि जैसे किसी को भी आराम, हेडरूम थोड़ा सा बढ़ा देता है। टोटल स्पीकर्स कितने हैं? 4 डोर स्पीकर्स में। यहाँ पे बड़े साइज का बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, और सिट्रॉन C3 में एक चीज मुझे यूनिक लगी कि को ड्राइवर साइड में आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता, सिर्फ दो ही ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलते हैं। बाकी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री की पूरी सीट्स देखने के लिए मिल जाती है, कंफर्टेबल है नो डाउट। आगे और पीछे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट ही देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे आगे भी और पीछे भी आर्म रेस्ट नहीं दिए गए हैं, पर ओवरऑल गाड़ी का कंफर्ट लेवल अच्छा है। ठीक है, कंफर्टेबल है गाड़ी, कंफर्टेबल है सर। आपको जितना फीचर्स डेली यूज करते उतना फीचर्स और साइड में सिल और व्हील आर्चेस में ब्लैक क्लैडिंग मिल जाती है, और ये टेल लैंप्स में सिट्रन की बैजिंग भी है, और हेड लैंप्स में भी है। नहीं उतना ही दिया है, इतना ही दिया है, और अलॉय व्हील्स नहीं है, अलॉय व्हील्स हाँ अलो। इसका कहाँ है वो लीवर? ओह अच्छा, एक हैंडल है ये 1.2 लीटर से 82 हॉर्स पावर है, 3 सिलेंडर्स है, 3 सिलेंडर्स है, यस सर। यहाँ पे ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के साथ ही आपको सिट्रन C3 देखने के लिए मिलती है, जबकि पंच में AMT का भी ऑप्शन आता है। ऐसे वॉशर ये ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर है, मास्टर सिलेंडर, ब्रेक बूस्टर, और ये विंड स्क्रीन के लिए भरने के लिए, पीछे वाइपर
नहीं है, नीचे वाइपर नहीं आता इसमें। अच्छा, यहाँ पर। और ये कूलेंट है? कूलेंट है, राइट। यस, ओके। ऑल थिंग्स आर विजिबल एट ये डिस्ट्रिक्ट का है। हाँ, ये तो विजिबल होनी चाहिए ना। यस सर, ये तो ऑब्वियसली। ये अल्टरनेटर है? अल्टरनेटर हो गया, उसके बाद में एबीएस का ब्रेक। ये मॉड्यूल, मॉड्यूल ये दिया। इंसुलेशन की बात करें तो बोनट में बेहतरीन इंसुलेशन प्लेट दी है, जिससे जो नॉइज़ है वो बाहर ज़्यादा नहीं आता इंजन का। ये चीज़ ये क्या है? ये उन्होंने एक ऐसा, बारिश के दिनों में पानी नहीं रुकना चाहिए इसीलिए। हाँ, ओके, लगता है ना। हाँ, और इसमें है नॉजल? यस, इसमें नॉजल है। ये छुपा हुआ सा है इधर पे, छुपा हुआ सा। ओके, नाइस। तो ये था पूरा वीडियो सिट्रॉन C3 का, जहाँ मैंने आपको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू की तरीके से वीडियो पूरा दिखाया। मतलब मैं शोरूम में कस्टमर बन के गया था और मुझे सेल्समैन पूरी गाड़ी जो है दिखा रहे थे। काफ़ी नॉलेजेबल सेल्समैन थे। अगर आप पुणे में कभी जाते हो तो बानेर में ज़रूर विज़िट करिए। राजीव इनका नाम था। नीचे एड्रेस और नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो पंच जितने तो फीचर इस गाड़ी में नहीं है, थोड़े कम है, लेकिन सिट्रॉन जैसा बड़ा फ्रेंच ब्रांड अगर आपको कम कीमत में अपनी गाड़ी दे रहा है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, अपने बेहतरीन इंजन के साथ, और यूनिक गाड़ी अगर आपको लेके रोड पे उतरना है एक यूनिक रोड प्रेजेंस के साथ में, फीचर से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है, देन ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल अच्छी है। ये था फील वेरिएंट विदाउट वाइप पैक। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड बाय बाय।